लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं एक बार क्विकली बताएं। थ्री टाइप्स, अरिथमेटिक, डिक्लेरेशन, और तीसरा कौन सा होता है, कंडीशनल। ये तीन जो है, और कंडीशनल में हम लोग तीन जो है चीजें और देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले देखा ब्रांचिंग, ब्रांचिंग फिर उसके बाद देखा हमें लूपिंग, और तीसरा जो है जंपिंग हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि हम लोगों ने डिस्कस किया है ब्रांचिंग के अंदर इफ, उसके बाद इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और स्विच केस के बारे में हमने डिस्कस किया है। लूपिंग में फॉर, व्हाइल एंड डू का हमने प्रैक्टिस किया है। जंपिंग में हम डिस्कस कर सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में, ये दो के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्विकली आवारा होगा और फिर देन हम फंक्शन के लिए तैयार है। फंक्शन, तो सबसे पहले ब्रेक का मतलब होता है किसी भी तरीके से वो जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसे ब्रेक यानी स्टॉप करना, और दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई एक एग्जीक्यूशन चल रहा है और वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो सिर्फ एक एक जो काउंट है या एक एग्जीक्यूशन जो है उसे स्किप कर देगा एक को, और ब्रेक जो है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और कंटिन्यू सिर्फ स्किप करता है पर्टिकुलर इटरेशन को या पर्टिकुलर कंडीशन को। तो यही चीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली जंपिंग के अंदर, ये दो चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए लूप का आना आपको बेहद जरूरी है। हम लोग वीएस कोड में चले आते हैं। ये एल्गोरिथम की बैच है और एल्गोरिथम को हम लोग बाद में आते लेक्चर 13 में। जंपिंग एंड फंक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जंपिंग जो होगा ये हमारा स्टेटमेंट का पार्ट है और इसके बाद हम लोग फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी, एक फॉर लूप मैं प्ले कर लेता हूं। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग लॉग आई, क्या प्रिंट होगा? 1 से 10 तक कंटिन्यू, ठीक है 1 से 10 स्टार्ट तक फ्रॉम वन। हाँ मैं यहाँ पे आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ और वन टू फाइव। अगर मुझे ये प्रोग्राम सम कंडीशन पे ब्रेक करना हो तो मैं इसे ब्रेक कर देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर ये जो लूप है एज ऑफ नाउ, ये कंडीशन जो है मैं लिख रहा हूं कि अगर ये लूप जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल टू अगर 3 होती है तो हो जाना चाहिए ये ब्रेक। तो आप ब्लॉक लिख सकते हो या तो अगर ब्रेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पे उसे ब्रेक लिख देते हो। दैट्स इट। जैसे ही ये टोटल लूप कितने टाइम तक चलना चाहिए आपके हिसाब से? 3 तक सर, फिर वो ब्रेक हो। अगर ये जो है ये टोटल जो है आपका मैं 15 टाइम तक करता हूँ, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक वाला भी यूज कर लेता हूँ मैं, चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो कितने टाइम तक चला ये सिर्फ? 3 एज ऑफ नाउ मैंने ये कंडीशन दी है, लेकिन कल जाके सिनेरियो में कुछ ऐसा अलग फंक्शन हो सकता है कि हमें रोकने की जरूरत हो सकती है वो पर्टिकुलर
लूप को या पर्टिकुलर टास्क को, तो आप वहां पे ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अभी दूसरा जो है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसे आपको स्किप करना है, एनी हाउ आप लोगों को स्किप करना है। जैसे कि यहाँ पे थ्री है, थ्री प्रिंट हो रहा है, मान लो इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ और ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये जगह पे लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि ये जैसे ही कंटिन्यू होगा, इसका जो भी ब्लॉक है, ये इसका जो भी ब्लॉक है या इसके नीचे वाला जो भी एग्जीक्यूशन होगा, इसके नीचे वाला वो होगा नहीं, यहाँ से स्किप होके तुरंत वापस आएगा। अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जब रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम लोग, तो हमारे पास बहुत सारी लाइन्स हो सकती है कि समहाउ किसी रीजन की वजह से अगर मुझे पर्टिकुलर डेटा नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि सैमसंग के प्रोडक्ट अगर होंगे तो उसे मुझे स्किप करना है, मेरे पास डेटा है और इस डेटा में लूप में चल रहा है, सारा वर्क हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग का अगर कोई फोन है तो उस फोन को मुझे, या कोई प्रोडक्ट है सैमसंग का, तो जब जब सैमसंग आ जाए तब तक ये जो है वो स्किप करना होगा मुझे, इस पे काम नहीं करना है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू लिख सकते हैं। अभी ये सारा लूप चलेगा, बट किसे स्किप करेगा, ये थ्री को, आई थ्री को सर। हमने क्या लिखा, आई इक्वल इक्वल टू व्हाट, थ्री। मतलब जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो वो जो है, दिखाई दे रहा है आपको थ्री, अभी मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे देता हूं, आप लोग मुझे बता दो सॉरी लेट फ्रूट्स, थोड़ा ध्यान से देखो और जिसे आता नहीं है वो बोलने की कोशिश करो गाइस, बाकी लोगों को बोलने के लिए चांस दे दो। शांत मत रहो यार, आपको आता है बट आप बोलते नहीं हो। एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड टाइपो हुआ तो भूल जाना यार, मैं स्कूल छोड़े हुए बहुत जमाना हो गया है। चलो ठीक है, अभी मुझे मैंगो को स्किप कराना है, मुझे सारा जो है वो प्रिंट कराना है, तो मैं सारा प्रिंट तो करा दूंगा और मुझे ये लूप तब तक चलाना है। इसके अंदर कितने, एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4। एरो जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है एरे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये लूप जो है वो कब तक चलेगा, 4 तक चलेगा। हाँ, 0 एरे का जो इंडेक्स है था, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे एरे का जो इंडेक्स है, और 0 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग उसे ऐसे, आई इक्वल्स टू 0 है ना, 0 कर लेते हैं। यस, तो अभी मुझे मैंगो को स्किप कराना है, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले ये सब हटा देता हूँ और पूरा एरे को जो है प्रिंट कर देता हूँ। तो एरे को प्रिंट करने के लिए फ्रूट्स और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, एरे एरे ऑफ, तो एरे जो है, एरे की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो 0th इंडेक्स पे क्या प्रिंट होगा, एप्पल एप्पल, फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 से 1 होगी, 1 होगी, 1 इंडेक्स पे क्या है, मैंगो है, तो मुझे जैसे ही मैंगो आ जाए तो स्किप करना है, तो मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है या कंटिन्यू को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कंटिन्यू। चलो पहले तो मैं आप लोगों को ये जो है ये रन करा के दिखा देता हूँ कि प्रिंट हो रहा है भी या नहीं, हो रहा है प्रिंट, एप्पल मैंगो बनाना, यस हो रहा है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा स्ट्रिंग वाला चेक कर लगा देता हूँ, इफ अगर फ्रूट्स के अंदर जो इंडेक्स है, अगर यहाँ पे हो मैंगो तो उसे क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है ताकि वो स्किप हो जाए, वहां से आगे वाला काम ना हो। देखो एक बार,
क्या मैंगो को प्रिंट करने दिया उसने या काम किया कुछ भी? नो, स्किप स्किप कर दिया उसने। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, कोई बात नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेन सेशन है वो है फंक्शन। इसमें आपको कुछ पूछना है तो ही सिंपल सी की